जामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और बीजेपी विधायक जेपी पटेल की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है। बता दें कि जामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और बीजेपी विधायक जेपी पटेल के दल बदल मामले की सुनवाई स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में चल रही थी। दोनों पक्षों के सुनने के बाद स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में फैसला सुना दिया गया। इस मामले में लगातार 2 दिन सुनवाई हुई। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने जब दूसरे दिन सुनवाई शुरू की तो लोबिन हेम्ब्रम मामले में वादी शिबू सोरेन की ओर से कहा गया कि इन्होंने राजमहल लोकसभा का चुनाव पार्टी के विरोध में लड़ा है, इसलिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई, अतः इनकी सदस्यता खत्म करे। जिस पर लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि 1995 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे जब इनको पार्टी ने नहीं निकाला था, आज भी इनको निष्कासित किया गया है, इससे संबंधित कोई नोटिस नहीं मिला है। सदन में इन्होंने हेमंत सोरेन के पक्ष में ही वोट दिया था, यानी पार्टी मान रही है कि ये झामुमो के विधायक है। सुनवाई के दौरान जेपी पटेल मामले में वादी अमर कुमार बावरी की ओर से कहा गया था कि विधायक केवल इतना बता दे कि वह कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर हजारीबाग सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे या नहीं। इस पर जेपी पटेल ने कहा कि मुझे 1 दिन पहले ही याचिका की कॉपी मिली है, इसलिए मुझे जवाब देने के लिए समय चाहिए और जवाब देने के लिए 90 दिनों का समय मांगा था। स्पीकर ने इसे खारिज करते हुए गुरुवार को जवाब देने को कहा था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।